तो देखिए, पूरे 17 दिनों में इन मजदूरों पर क्या बीती है। चुनौतियां बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन इन मजदूरों ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार हौसले की जीत हुई। कैसे बीते 17 दिनों में इनकी जिंदगी गुजरी है, सुनिए इन मजदूरों की जुबानी। मेरा नाम विश्वजीत कुमार वर्मा है। विश्वजीत, आप 41 मजदूरों में से एक थे। एक थे। कैसा रहा आपका अंदर का जब आप फंस गए थे, तो क्या दिल में और दिमाग में चल रहा था? दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जब ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए, इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए, वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों, पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। अच्छा, खाना पीना कैसा पहुंच रहा था? खाना पीना हम लोग का जो है सो गिरने के बाद हम लोग को 10-15-20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई। उसके बाद जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई, उसी से हम लोग को खाना मिलता था। उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का एक जो व्यवस्था की गई, उससे हम लोग खाना, काजू किशमिश, बादाम, रोटी, चावल, दाल जो भी मिला, सही सलामत सब चीज की हम लोग को प्राइवेट की गई। अब परिवार से बातचीत हो रही है, परिवार कैसा है? परिवार सब ठीक है। अभी परिवार से बात हो रही थी, बाद में माइक लगाया था, उस माइक से हम लोग बात करवाई गई सबका। मैं सुबोध कुमार वर्मा, झारखंड से हूँ। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम होती उसमें फंसा था। अगर मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था, और वहाँ जो केविटी होती थी उससे हमारे 2 दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।